गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल अलर्ट की 23। गाइज आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे BSF कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। तो गाइज अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो शुरू से एंड तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो गाइज इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट रहने वाली हैं 269 पोस्टेज हैं। पोस्ट नेम की बात करें तो ग्रुप सी में आपको कौन कौन सी पोस्टें देखने को मिलेंगी, कांस्टेबल की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको हेड कांस्टेबल की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो गाइज अब हम बात करते हैं हु कैन अप्लाई ऑल इंडियन जॉब मेल एंड फीमेल। तो गाइज अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज अब हम बात करते हैं जॉब लोकेशन एंड एग्ज़ाम सेंटर की ऑल ओवर इन इंडिया। तो गाइज अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। यू आर जनरल OBC कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ी जो है वो फ्री रहने वाली है। ST/SC कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भी फ्री रहने वाली है। तो गाइज उसके बाद हम बात करते हैं BSF कांस्टेबल एज लिमिट की। तो गाइज इसमें जो आपकी एज मांगी है 18 से 23 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ए रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST/OBC कैंडिडेट रिलैक्सेशन एज पर ऑन गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन SC/ST 5 ईयर OBC 3 ईयर। तो गाइज उसके बाद हम बात करते हैं फिज़िकल टेस्ट डिटेल के बारे में। तो गाइज मेल कैंडिडेट की जो हाइट मांगी है 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157। नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट मेल की 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। तो गाइज उसके बाद हम बात करते हैं चेस्ट की। तो गाइज इसमें जो चेस्ट मांगी है 80 नॉर्मल मांगी है और 5 सेंटीमीटर फ्लाव मांगा गया है। तो गाइज उसके बाद हम बात करते हैं रनिंग की। तो गाइज जो है आप नोटिफिकेशन पे चेक कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद हम बात करते हैं BSF ग्रुप सी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फ़ोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो गाइज उसके बाद हम बात करते हैं BSF भर्ती 2021 एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो गाइज अगर आपकी 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज उसके बाद हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो गाइज सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फाइनल मेरिट। तो गाइज अब हम बात करते हैं BSF ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2021 इंपॉर्टेंट डेट। तो गाइज इसके फॉर्म कब से लगना स्टार्ट होंगे। तो गाइज इसके जो फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 22 सितंबर 2021 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। तो गाइज अगर आप अपने राज्य की भर्ती की जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरे भारत के राज्यों की भर्ती की जानकारी मिलती है।